राजधानी रांची सहित राज्य भर में रोटी बैंक और कपड़ा बैंक के माध्यम से गरीबों की मदद करते लोग आपने देखा होगा, लेकिन इन गरीबों को भूख से दो चार ना होना पड़े इसके लिए भी कई संस्थाएं आगे आ रही है, जहां पिछले करीब एक महीने से ऐसे जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जी हाँ इसी पंक्ति को बिल्कुल सटीक साबित करते हुए राजधानी रांची सहित राज्य भर में कई छोटी बड़ी संस्थाएं इसे अंजाम दे रही है। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची के गडरू स्थित ईदगाह के समीप, जहाँ का ये नज़ारा आपको हम दिखा सकते हैं कि विभिन्न सामाजिक संगठन या खास करके सर्वधर्म मानवता मंच के माध्यम से जो गरीब असहाय लोग होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो खाने के लिए जिन्हें सही से नहीं मिल पाता है, या फिर जो कम खर्च में अपने दिनचर्या को करते हुए अनाज के लिए इधर उधर जो भटकते थे, उनको ये अनाज मुहैया करा रही है कम दरों में। तो कहीं ना कहीं ये मुफ्त भी गरीबों में खाना बंटवाते हैं। और यहाँ पे आप देख सक रहे हैं ये लोग हैं, ये अनाज खा रहे हैं, दाल चावल सब्जियाँ जो है, ये कई दिनों से यहाँ पे इन्होंने एक अपना मंच लगाया हुआ है, एक शिविर लगाया हुआ है, जहाँ से हर दिन सैकड़ों लोग यहाँ से मुफ्त में खाना खाकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस मंच के जो ये समिति है, जो संगठन है, इसके भी कुछ लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आप क्या कुछ कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या है ये गरीबों को खाना खिला रहे हैं। देखिए भारत में 6 धर्म हैं और मैं समझता हूँ कि 6 धर्म के धर्म ग्रंथों में ये लिखी कहीं गई पाई है कि भूखों को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना ये बड़ा पुण्य का काम, बड़ा नेकी का काम है। और हमारी सर्वधर्म मानवता मंच ये नई संस्था है, हम लोगों का छोटा सा प्रयास है, छोटा सा प्रयास है कि अभी हम लोग कड्डू एरिया में चलाए और इसको काफ़ी हम समझते हैं शुरू में तो कम आते थे, अब तो 50-60 के लगभग आ जाते हैं और खाना खा करके यहाँ से आराम से जाते हैं। ये हम लोग चावल दाल सब्जी और अचार के साथ लोगों को मुफ्त भोजन करवाते हैं और हम लोगों का प्रयास है कि इसको अभी कंटिन्यू चलाते ही रहेंगे, इसको कंटिन्यू चलाना है। तो कितने दिनों से यहाँ पे ये चला रहे हैं? ये दिनांक 12 दिसंबर 2018 से निरंतर ये चल रहा है और ये चलता रहेगा जी। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें कि डेली आप कितने लोगों को यहाँ पे खाना खिला दे रहे हैं गरीबों को? अभी कम से कम 50-60 गरीब तो खाना खा ही लेते हैं, आपने देखा भी अभी आपका विजुअल में भी आया है लोग, तो 50-60 के करीब खाना यहाँ अभी मुफ्त में खा करके जाते हैं। और ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, ये ज़रूरतमंदों के लिए भी है। कोई ज़रूरतमंद भी आ जाता है तो यहाँ के खाना खा के जाता है, कोई अगर स्टूडेंट भी आ गया तो भी वो खाना खा करके जाता है, उसको हम लोग इसलिए मना नहीं करते कि वो ज़रूरतमंद है। चलिए, तो यहाँ ज़रूरतमंदों को यहाँ खाना खिलाया जा रहा है सर्वधर्म मानवता मंच के माध्यम से, जो यहाँ लोग आते हैं ये कहीं ना कहीं मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा है इनको। तो एक तरह से ये इंसानियत को एक बड़ा संदेश दे रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं जो खाना खाकर बैठे हैं अभी, इनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ आप लोग खाना खाने आते हैं, आपको खाना नहीं मिला? नहीं, अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा, क्या कुछ यहाँ खाना खिलाया? यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, हम लोग कम से कम एक महीना से खा रहे हैं खाना यहाँ, फ्री में खाना देता है, दाल सब्जी और अचार भी साथ मिलता है, साफ सुथरा खाना मिलता है। तो ये काम कर रहे हैं, फ्री में लोगों को खाना खिला रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, ऐसे ही लोगों को आगे आना चाहिए जी। नाम क्या हुआ आपका? जितेंद्र साहू। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि कौन कहता आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। बिल्कुल, इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए ऐसे कई छोटी बड़ी संस्थाएं जो है वो अब भी लगातार अपने प्रयास में है। ज़रूरत है आम लोगों या खास करके आम जनता को भी इस ओर अपने ध्यान को आकर्षित करने सहित इन लोगों का साथ देने की। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मोइजुद्दीन, सबरंग समाचार, रांची।